मेरे किरदार का नाम है शशांक और काफ़ी अच्छा किरदार है, काफ़ी काफ़ी सेट्स हैं, मतलब कि आप रोमांटिक सीन भी है, प्यार भी है, इमोशन भी है और कुछ भी है, तो बहुत कुछ है, मैं उतना ये नहीं कर सकता, डिटेल में नहीं जा रहा। आप एक्टर की तरफ बढ़ रहे हैं, किस तरह से प्रभाव आपका अच्छा लगा? देखिए, मैं 2010 में मेरी पहली फिल्म आई थी हमार सैयद दरोगा, उसके बाद एक फिल्म आई थी मुजरिम, उसमें मैं क्लैप करता था, फर्स्ट मेरी शुरुआत क्लैप से ही हुई थी, क्लैप किया, उसके बाद मैंने असिस्ट की, फिर मनोज सर जो हमारे इस फिल्म के डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं उनके साथ मैंने काफ़ी फिल्में एसोसिएट किया, तब फाइनली वो तो है, रहता है ना, हम क्या है ना कि बहुत कम लोग होते हैं कि प्रॉपर चैन से आते हैं, क्या ना अगर आपको कुछ भी करना है तो उसको पहले सीखना ज़रूरी है, तो सीखने के लिए क्या होगा कि आपको असिस्ट एसोसिएट ये करना ज़रूरी है, तो क्या आप प्रॉपर छोटी छोटी डिटेलिंग सीखते हो, और एक्टर क्या है ना, एक्टर तो कभी पूरे होते नहीं हैं, वो हमेशा लाइफ टाइम सीखते हैं, तो क्या वो सीखना पहले से अगर चालू रहे तो शायद कैमरे के सामने आने के बाद थोड़ा बहुत लगे कि हाँ चलो। मुकेश जी के साथ मैंने कोलकाता में ऑलरेडी काम कर चुकी हूँ, फर्स्ट हम लोगों का ही शूट स्टार्ट हुआ था, फर्स्ट बहुत अच्छा, इनमें सीखने का बहुत कोशिश है, मतलब डेडिकेशन है इनमें, एंड मैंने फर्स्ट टाइम काम करके मैंने इनको कहा था, और सबसे अच्छी बात है इनमें कि ये सुनते हैं बहुत सारी चीज़ें, तो एज अ को स्टार मुझे बहुत, इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइंड एंड बहुत अच्छा लगा इनके साथ काम करके। आपसे मुझे भी बहुत अच्छा लगा, हाँ। जैसे संचिता ने बोले है, मेरा भी मुकेश जी के साथ फर्स्ट टाइम है और फर्स्ट टाइम काम कर रही हूँ, तो मेरा भी एक फर्स्ट शेड्यूल तो जमशेदपुर में कंप्लीट हो गया और यहाँ पे भी सेकंड शेड्यूल, बट उनके साथ काम करके ऐसा नहीं है, उन मतलब हमेशा शॉर्ट दे के ही मतलब जाके चेक करते कि कैसे उनका, उनको अगर बेटर नहीं होता है तो बेस्ट देने के लिए और भी के और एक शॉर्ट दे दूँ, मतलब उनको बहुत मतलब वही है जो एक एक्टर एक्ट्रेस में होना चाहिए कि मतलब बेस्ट बेटर मतलब टू द बेस्ट, मतलब वो हमेशा ट्राई करते हैं, जो चीज़ बहुत अच्छा लगा। अरे दोनों बेस्ट है सर, दोनों में से मैं कंपेयर ही नहीं कर सकता, मैं तो कुछ नहीं हूँ, मैं तो इनके बारे में भी काफ़ी सुना था और मनी जी के भी बारे में काफ़ी सुना था, और ये नो डाउट कि ये बहुत बड़ी स्टार है हमारी इंडस्ट्री की, बट मुझे, मैं अगर पर्सनली अपना एक्सपीरियंस बताऊँ तो मुझे लगा ही नहीं, मेरी फर्स्ट फिल्म थी, इतना कोऑपरेट इन्होंने किया, फर्स्ट टाइम तो हमने मिला था, मैं इनसे जब फर्स्ट टाइम मिला था, मैं बता रहा हूँ, मैं काफ़ी डरा हुआ था, नर्वस भी था कि पता नहीं क्या होगा, अच्छा नहीं दूंगा, कहीं टोक ना दे, भाई एक्सपीरियंस है ना काफ़ी, मैं तो नया हूँ, बट सच बोलूँ तो आज हम लोग मिल रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस है कि एक दोस्त है, वो लगा ही नहीं, अब सोच लो कि इतने अच्छे दोस्त बने तो कैसे बने होंगे, इन्होंने कितना कोऑपरेट किया होगा, कितना भी घुमाइए, निशाना वही है, एक सिंगल हीरोइन नहीं, मनी जी भी है, संचिता जी भी है, तो आपको कैसे पता चला अभी लव स्टोरी होगी, सिंगल हीरोइन होगी, वो तो हाँ अच्छा, अनिल जी ने आपको दिया, कबर जी ने दिया, और एक हीरोइन है रसगुल्ला और सोंदो, इसमें से क्या खाओगे, रसगुल्ला खाओगे सोंदो, आपने आप मुझे फंसा रहे बुरी तरह से, ठीक है ना, मैं एक बात बता देता हूँ कि ये जिम्मेदारी है ना, हाँ दोनों ही आ जाएंगे, दोनों आ जाएंगे मेरे साथ, मैं इतना कंफर्टेबल हूँ, जी किस तरह का है इनका इस फिल्म में इन्वॉल्वमेंट, इस फिल्म के प्रेजेंटर हैं, मतलब आप बोल सकते हैं कि सब कुछ है, और मेरा ये गुड लक है कि मेरी फर्स्ट फिल्म डेब्यू फिल्म में इतनी बड़ी कंपनी का साथ मिला है, ये मेरे लिए बहुत ही समझिए कि खुशी की बात है, और मैं सच बोलूँ तो बहुत बहुत कोऑपरेटिव इंसान है, मैं मिला था, मुझे लगा ही नहीं कि मैं फर्स्ट टाइम इनसे मिल रहा हूँ, इतना सपोर्ट करते हैं और इतने प्यारे इंसान हैं, मैं ये भी बता दूँ, हमेशा हंसते रहते हैं, कहना कि आप कैसे भी मूड लेकर जाओ, इनके पास जाओ, इन्हें देखो मूड फ्रेश, स्माइली, पॉजिटिव ऑलवेज। नहीं नहीं, मैं तो डायरेक्शन में जाना होता तो अभी डायरेक्शन से डेब्यू करता, मैं एक्टर हूँ तो एक्टर ही करूँगा, तो मेरी नेक्स्ट फिल्म है सुपर हीरो, वो फर्स्ट फिल्म है भोजपुरी की जो सुपर हीरोज क्रिस व्रिस टाइप की है ना, वो पूरी वीएफएक्स की फिल्म है, और उसके बाद जो एक मेरी और फिल्म है जो अभी फाइनल हुआ है, मैं उसका अभी नाम रिवील नहीं करूँगा, बट वो साइंस फिक्सन है,
मेरे पास अभी 2-3 फिल्म इस टाइप की हैं, साइंस फिक्शन, थ्रिलर और इस टाइप की फिल्में। मेरा इंटरेस्ट भी इस टाइप की फिल्मों में ज़्यादा है। कौन सा चीज़ ज़्यादा कठिन होगा, डायरेक्शन ज़्यादा कठिन है या एक्टिंग लाइन? देखिए, एक्टर के अपने डिपार्टमेंट हैं, लेकिन मेरा अगर मानना हो तो डायरेक्टर से बड़ा डिपार्टमेंट कोई नहीं होता। कितने जुड़े हैं उस बारे में पहले बताओ। पहले एक्चुअली फ्रैंकली स्पीकिंग सबको तो मेरी संचिता बनर्जी का बहुत दिलों से नमस्ते सारे दर्शकों को। एंड भोजपुरी फिल्म से मैं कैसे जुड़ी हूँ, बहुत लंबी कहानी है, शॉर्ट में बताती हूँ। मैं एक हिंदी मूवी कर रही थी, रक्तधार। उस मूवी में जो ईपी थे नागेश जी, तो हिस एक्चुअली अभी वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि भोजपुरी फिल्म करोगे, तो फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने पहले कहा कि नहीं, मुझे भोजपुरी नहीं आती है और मैं नहीं कर सकती हूँ। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसी नहीं है कि हिंदी बोलनी है, एंड निरोवा हिंदुस्तानी 2 दिनेश जी के साथ आप आओगे। तो फिर मैंने उनकी स्टोरी सुनी और रियली निरोवा हिंदुस्तानी 2 ने जिस तरीके से मुझे आज यहाँ पे खड़ा किया है, तो उसके लिए मैं थैंक यू सबको बोलना चाहूँगी। सबका प्यार आशीर्वाद मिला है, आज मैं एक के बाद अच्छे अच्छे लोगों से जुड़ी हूँ, अच्छी अच्छी मूवी कर रही हूँ, एंड मैं बहुत खुश हूँ। मैम, बड़े कलाकार के साथ काम करने के बाद जब आप नए कलाकार के साथ काम करते हो, तो आपको कितना लगता है कि रिस्क है उसके अंदर कि मेरी पिक्चर फिल्म फ्लॉप हो जाएगी या हिट हो जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि बड़े एक्टर, जब मैं नहीं थी भोजपुरी में तो दिनेश जी जैसे बड़े एक्टर मुझे चांस दिया है, तो मुझे भी लगता है कि हर एक्टर को चांस देना चाहिए, उनके साथ काम करना चाहिए। एंड आप जब दूसरे के साथ काम करोगे तो आपको एक्सपीरियंस होगा, और कंटेंट बहुत ज़रूरी है। क्या कंटेंट है एक्टर के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे वो पोर्ट्रे कर रहे हैं कैरेक्टर को, तो ये बहुत डिपेंड करता है। शिकारी फिल्म में आप किस तरह का रोल निभा रही हैं? मैं अभी नहीं बताऊंगी कि फिर नहीं जाएंगे देखने के लिए, ये सस्पेंस है। बहुत ही क्यूट कैरेक्टर है, एंड सबके लिए एक मैसेज है कि मैं सब कुछ नहीं बता सकती हूँ, एंड बहुत ही खतरनाक मूवी है, एंड एंटरटेनमेंट न्यू कुछ भोजपुरी इंडस्ट्री को मिलेगा। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के साथ आपके संबंध कैसे हैं? प्रोड्यूसर बहुत ही अच्छे, डायरेक्टर भी बहुत अच्छे। प्रोड्यूसर के साथ मैंने, अनिल सर के साथ मैंने और एक फिल्म कर चुकी हूँ, 5 मेहरिया, बहुत ही अच्छी फिल्म, वो बहुत जल्दी रिलीज़ होने वाली है। एंड कॉमेडी, क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि कंटेंट बहुत ज़रूरी है, कंटेंट उसका भी बहुत अच्छा है। इस फिल्म में मैं जो रोल निभा रही हूँ वो भी बहुत अच्छे कंटेंट है। तो अनिल सर के साथ मैंने, मेरी ये दूसरी फिल्म है, एंड मनोज सर के साथ, मनोज तोमर जी है हमारे डायरेक्टर, तो सर के साथ मैंने एक्सपीरियंस किया है, इज़ वेरी गुड, बहुत अच्छा काम करते हैं, बहुत अच्छे कुछ सीखने के लिए मिलता है सर से, अच्छा कंटेंट लेके आ रहे। जब एक फिल्म में दो हीरोइन होती है, दो अभिनेत्री होती है, उनमें ज़रूर लड़ाई होती है? नहीं नहीं, लेकिन आप लोग के आपसे संबंध किस तरह के? नहीं नहीं, किसी के साथ मेरी किसी के साथ लड़ाई नहीं होती है, किसी के साथ नहीं अभी तक तो नहीं, और आगे भी नहीं होगा। जब ये प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया, शिकारी है और इसमें जंगलों का सीन होगा, थोड़ा सा इसमें मेकअप वेकअप नहीं होते हैं बहुत अच्छी तरह से, और चोट लगने की ज़्यादा गुंजाइश होती है, बहुत हाँ। तो आपको डर लगा था कि ये फिल्म करें या नहीं करें? नहीं नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ का डर नहीं लगता है, खाली इससे डर लगता है, और भूत से डर लगता है, और भगवान से डर लगता है, और किसी चीज़ से डर नहीं लगता है, काम करने आई हूँ तो बस। नमस्कार प्रणाम, हम बानी रोहित सिंह मटरू, और आज अपन सेट शिकारी के सेट पर आयल बनी। बहुत थोड़ी देर पहले मुझे एक तीर लगा जिससे मेरी जान निकल गई, और पूरा ब्लड ब्लड था, तो होटल गए और आए, आप तब तक आप लोग के सामने मैं मुखातिब हो गया। बस यही क्वेश्चन आप लोग करें और मैं जवाब दूँ तो अच्छा रहेगा। सर, क्या रोल है सर आपका इस मूवी में? हाँ, इस फिल्म में मेरा एक कैरेक्टर ऐसे, चार लोगों की ये कहानी है, चार दोस्तों की कहानी है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई हीरो है या कोई हीरोइन है। अमूमन मैं ज़्यादातर कॉमेडी करता हूँ सारे फिल्मों में, और इसमें कॉमेडी के साथ साथ कुछ सीरियस भी है। कहानी रिवील नहीं करूँगा क्योंकि शिकारी फिर मज़ा नहीं आएगा, वो शिकारी लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं वो जब पर्दे पे आएगी तब पता चलेगा लोगों को। सर, मटरू का मतलब होता है एंजॉय, रोहित सिंह मटरू, मटरू मेरा निकनेम है, और मटरू मतलब मस्ती, मटरू मतलब एंजॉय, और मटरू मतलब धमाल। तो जिस फिल्म में होता हूँ सिर्फ मस्ती ही करता हूँ सर, और साथ में सबको करवाता भी हूँ। सर, क्या कॉमेडी देखने मिलेगा सर इस मूवी में?
मिलेगा मिलेगा मिलेगा, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना बाकी चीज़ों बाकी फिल्मों में, भोजपुरी की बाकी फिल्मों में, क्योंकि ये बहुत अलग किस्म की फिल्म बना रहे हैं हमारे डायरेक्टर महोदय। तो एक कॉमेडी एक्टर तरह से जाना जाता है जी, आपको देखते ही दर्शक जो है हंसने लगते हैं जी। जब ये कॉन्सेप्ट आपके पास आया जी, तो आपको कैसा लगा कि ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? हाँ, थोड़ा सा उस वक्त शिकारी जब मेरे पास आया तो एक कॉलेज स्टूडेंट के रूप में मुझे दिखाया गया, तो मैंने कहा सर मैं तो कॉलेज कहीं से दिखता नहीं कॉलेज स्टूडेंट, बिकॉज बाकी सब बहुत जूनियर है मेरे से। तो उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि एक कैरेक्टर है जो पिछले 5 साल से कॉलेज में फेल हो रहा है, आपका डिमोशन होता जा रहा है, बाकी लोग प्रमोट होते जा रहे हैं, तो कॉलेज स्टूडेंट्स का मैं एक तरह से लीडर कहिए उसको, या फिर उनको वर्चस्व बनाने वाला आदमी कहिए, तो वो कैरेक्टर में मैं उन लोगों का एक सीनियर हूँ और दोस्त भी हूँ, तो ऐसा ही है कि रैगिंग लेने के चक्कर में उनसे दोस्ती हो जाती है बस। देखिए इस फिल्म में जो डायरेक्टर हैं मनोज तोमर जी हैं, हमारे प्रेजेंटर अनिल कावरा जी हैं जिन्होंने बहुत सारी भोजपुरी मूवी में प्रोड्यूस भी किया है और बहुत प्रोड्यूसरों को सपोर्ट करते हैं वो। अनिल कावरा साहब का सहयोग हमारे मुझे लगता है कि 99% प्रोड्यूसरों को रहता है, और कावरा साहब बहुत अच्छे इंसान हैं। भोजपुरी नहीं होते हुए भी भोजपुरी को इतना प्रमोट करना अगर कोई अदर पर्सन करता है तो कम से कम मन बहुत प्रसन्न होता है और बहुत अच्छा लगता है। जहाँ तक हीरोइन की बात है तो इसमें संचिता बनर्जी जी हैं, हमारी एक और हीरोइन है, क्या नाम है उनका, अरे हो सोनालिका प्रसाद, सॉरी सोनालिका थोड़ा सा मिस कर गया, सोनालिका प्रसाद जी हैं, और एक जोया जी हैं, पल्लवी मणि भट्टाचार्य जी हैं, और पल्लवी गिरी करके एक नई लड़की हैं जो शायद बिहार से आई हैं, यहाँ पहली बार मुंबई आके काम कर रही हैं, तो बस मज़ा आ रहा। अरे हाँ, एक और एक्टर हैं गौरी शंकर जी, उन्होंने भी बहुत अच्छा काम किया। हीरो हमारे दो हैं, रोशन और एक मुकेश ओझा, ये इन लोगों से ये पिरोया गया है, ये कहानी बनाई गई है, तो मज़ा आ रहा है सर और इन्जॉय कर रहा। आप लोग आ गए मीडिया वाले तो लग रहा है कि बस ये फिल्म तो ब्लास्ट हो गई। शिकारी फिल्म ये किस तरह की फिल्म है? नमस्कार, शिकारी फिल्म एक्चुअली एक एडवेंचर फिल्म है, ये इसमें थ्रिल है, मतलब ऑडियंस के हिसाब से हमने सब कुछ रखा है इसमें। भोजपुरी में एक नया चीज़ हम लोग ला रहे हैं, पहली बार एक हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं शिकारी के थ्रू, मतलब हमने इसे फॉरेस्ट में, पूरा डीप फॉरेस्ट में शूट किया इस फिल्म को, 90% खतरनाक लोकेशनों पर हमने शूट किया है, और कुछ नया है, लोगों को बहुत मैंने मज़ा आएगा इस चीज़ को देखने में कि जंगल में कैसे। एक्चुअली क्या है कि हमारी फिल्म के जो हीरो हीरोइन जो कास्ट है वो जंगल में जाते हैं और फंस जाते हैं, और उसके बाद उनके साथ क्या क्या होता है उस जंगल में, यही हमारी फिल्म है। और इस फिल्म के थ्रू हमने एक मैसेज भी दिया है समाज को कि पर्यावरण का अगर हम नुकसान करते हैं तो उसका इफेक्ट मानव जीवन पर क्या पड़ता है। सर अगर बात करें तो आज के कुछ शॉट के बारे में बताइए, किस तरह का शॉट शूट किया गया? एक्चुअली हम लोग शूट कर रहे थे, हमारी फिल्म के दो करेक्टर हैं, अपना सोनालिका जी हैं और रोशन शर्मा हैं, ये लोग भाग रहे थे, अचानक कहीं पे कुछ फंदा डाला हुआ था उसमें वो ट्रैप हो जाते हैं और उल्टा लटक जाते हैं, और वहाँ पे उनके साथ बहुत गलत होता है, वही हम दिखाना चाह रहे थे, वही कर रहे थे हम शूट। सर भोजपुरी फिल्म जो है एक बदलाव की तरफ झुक रहा है, फिल्म की टाइटल बहुत अच्छा है शिकारी है, लेकिन एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर के कंधे पर एक फिल्म को हिट कराने की बड़ी जिम्मेदारी होती है, ये बदलाव वाली फिल्म जो भोजपुरी फिल्म से एकदम अलग होकर बना रही है, इस किस तरह से इस फिल्म को आप रिकवरी करेंगे? देखिए रिकवरी तो 100% हमें मालूम है कि होगी, क्योंकि ऑडियंस भी आज भोजपुरी की जो है वो बदलाव चाहती है, एक ही चीज़ देख देख के वो लोग भी थक गए हैं, क्योंकि हम सोशल मीडिया पे हमेशा एक्टिव रहते हैं तो हम देखते हैं कि वो क्या चाहते हैं, क्या उन्हें चाहिए, वो हमेशा लिखते हैं, हमेशा वो मैसेज के थ्रू या किसी भी जरिए से हमें बताते हैं कि कुछ चाहिए, तो हमने इसीलिए इस फिल्म के जरिए कुछ अलग करने की कोशिश की, और हमें भी देखना है कि ऑडियंस इससे कितना इम्प्रेस होती है। शिकारी फिल्म की शूटिंग कहाँ कहाँ हुई? इसका शिकारी फिल्म की शूट हमने कलकत्ता में किया, उसके बाद हमने झारखंड के बहुत सारे लोकेशनों पे किया, गिरिडीह वगैरह, उसके बाद हम यहाँ कर रहे हैं मुंबई के बदलापुर में। शिकारी फिल्म में अभिनेता और अभिनेत्री उस मतलब किस तरह से उनका आपने चयन किया, चुनाव किया, उस बारे में बताइए।
एक्चुअली हमने इस फिल्म के सारे करेक्टर जो चुने हैं जैसा हमें चाहिए था, एक्चुअली हमने उस टाइप के ही लोगों को ढूंढा कि वो हमारी स्क्रिप्ट के हिसाब से हमारे करेक्टर के हिसाब से एकदम फिट बैठें, और हमने इस पर बहुत मेहनत की करेक्टर भी चुनने में। इस फिल्म में किस तरह के गाने हमको देखने के मिलेंगे? इसमें आपको हर तरीके के गाने हैं, जैसे रोमांटिक सॉन्ग है, दोस्ती वाले सॉन्ग्स हैं, और मतलब फुल एंजॉय जो आज की ऑडियंस को चाहिए वो हमने सब रखा है। गाने बहुत ज़्यादा इस फिल्म में नहीं हैं, लेकिन जो भी गाने हैं अपने आप में कमाल के हैं। सर, मटरू जी को आपने किस तरह मनाया है, जो कि एक कॉमेडी कलाकार हैं, आप जब इनके पास ये प्रोजेक्ट लेके गए तो आपने उन्हें किस तरह से मना लिया कि भाई ये शिकारी में हम? एक्चुअली मटरू जी को जब मैंने कॉन्सेप्ट सुनाया तो सुनते ही वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, और उन्होंने बोला, खुद से बोला कि मनोज जी मैं इस फिल्म को करूँगा, मुझे किसी भी कीमत पर इस फिल्म को करनी है। तो मुझे भी लगा, क्योंकि करेक्टर उन्होंने सुना और फिल्म का कॉन्सेप्ट सुना, तो वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुए, बोले कि मैं ऐसी फिल्म का हिस्सा बनना चाहता हूँ। तो मैंने बोला ठीक है, मैं भी चाहता था कि वो हमारी फिल्म में आए। इस फिल्म को इंडिया ई कॉमर्स का सपोर्ट मिला है अनिल कावरा जी का, अनिल कावरा जी के बारे में कुछ बताइए। अनिल कावरा जी एक बहुत ही अच्छे इंसान है, बहुत सेंसिटिव बने, अच्छे समझदार हैं, वो भी चाहते हैं कि कुछ बदलाव भोजपुरी सिनेमा में हो। जब मैंने उन्हें अपने कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि मैं ये बनाने जा रहा हूँ, तो उनका रिएक्शन भी बहुत अच्छा था। उन्होंने बोला वाह, मैं तो चाहता था कि कुछ चीज़ें ऐसी हों कि लोगों को कुछ अलग देखने को मिले। तो उन्होंने बोला कि हम एकदम इस फिल्म के साथ आपके साथ जुड़े हुए हैं, आपको जो भी सपोर्ट चाहिए हमारी तरफ से आपके लिए है, आप इस फिल्म को करिए। ई कॉमर्स के बारे में कुछ बताइए। इंडिया ई कॉमर्स ने काफ़ी हिंदी फिल्में, मराठी फिल्में, भोजपुरी फिल्में बनाई हैं, काफ़ी फिल्में रिलीज भी करी है दूसरे प्रोड्यूसर की, और काफ़ी प्रेजेंट करी है। सबसे पहला जो भोजपुरी प्रोजेक्ट था वो पवन सिंह का सरकार राज, फिर उसके बाद निरुआ का मैं सेहरा बांध के आऊँगा, फिर दिनेश जी का हमने प्रेजेंट किया निरुआ चले लंदन, फिर इंडिया वर्सेज पाकिस्तान जिसमें भी सब भोजपुरी के आर्टिस्ट थे। उसके अलावा काफ़ी फिल्में प्रेजेंट की है, मेरे को नाम ज़्यादा याद भी नहीं रहते हैं। अभी हमारी 11 फिल्में बन के रेडी है और 10 फिल्में फ्लोर पे चल रही हैं। सर, शिकारी फिल्म को आपका सपोर्ट मिला है, इस फिल्म से किस तरह जुड़े उस बारे में कुछ बताइए। मनोज जी डायरेक्टर हैं इस फिल्म के और प्रोड्यूसर भी है, तो वो मेरे को पुराने से जानते हैं, तो उन्होंने बोला था कि मैं एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहा हूँ जो अच्छा सब्जेक्ट है, और उन्होंने सब्जेक्ट ये सुनाया किया और अच्छा लगा, उस हिसाब से फिर मैंने कहा कि मैं इसमें ऐसे प्रेजेंटर इसमें आता हूँ, तो मैं इन्वॉल्व हुआ उसमें। सर, आप लोकेशन पे आए हुए हैं, शूटिंग भी देख रहे हैं, हाँ, तो आप किस तरह से देख रहे हैं कि यहाँ के जो एक्टर हैं या डायरेक्टर प्रोड्यूसर कि आप सीन के साथ न्याय कर रहे हैं? सीन के साथ तो डायरेक्टर प्रोड्यूसर न्याय करता ही है, लेकिन मनोज जी का ये था कि इन्होंने पहले एक स्पेल इनका कलकत्ता में कंप्लीट किया, बाद में एक रांची के पास में जंगलों में जो एक्चुअल लोकेशन होती है ट्राइबल के बीच में, वहाँ उनको प्रॉब्लम भी हुई कि कुछ आदिवासी लोगों ने इन्होंने उन पर किया, जैसा कि शिकारी सब्जेक्ट है कि सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इसमें लड़के लड़की जो है वो जाते हैं और फिर वो शिकारियों के चंगुल में फंस जाते हैं, तो उन्होंने एक्चुअल लोकेशन ली। आज यह लोकेशन भी जो जंगल की आप देख रहे हैं कि ये मेरे हिसाब से फिल्मों के अंदर ही फर्स्ट टाइम एक्सप्लोइट हो रही है, ये पूरी इतना घना जंगल है, तो वहाँ फिर कर नहीं पाए तो ये इन्होंने यहाँ शूटिंग की है, तो न्याय वो पूरा कर रहे हैं। जैसा आप देख रहे हैं पूरा सब क्रेन और जो भी आर्टिस्ट और जो भी भोजपुरी में प्रोथेस्टिक जो नहीं रहते हैं केवल ऐसे ही बना देते करते हैं, उनके साथ वो पूरा न्याय कर रहे हैं, पूरा प्रोडक्शन कर रहे हैं, गाने वगैरह सब उसी हिसाब से किए हैं। आने वाले जैसे भोजपुरी हो या मराठी हो या हिंदी, हाँ, इंडिया ई कॉमर्स और कौन से प्रोजेक्ट से जुड़ रही है? हमारे हिंदी के, मराठी का अभी नहीं किया है, मराठी का अभी नहीं चालू, बाकी हिंदी के प्रोजेक्ट हमारी वेब सीरीज और शॉर्ट फिल्में और फिल्में तो चालू रहती है, एज ए प्रोडक्शन भी और एज ए प्रेजेंटर भी। और भोजपुरी का जैसे मैंने बताया कि जस्ट हमारी 5 फिल्मों का यूए सर्टिफिकेट मिला है और 6 फिल्में ऑलरेडी हमने सेंसर के लिए दे रखी है, तो 11 फिल्में और 10 फिल्में अभी फ्लोर पर हैं, तो टोटल 21 फिल्में हैं। और इवन सेंसर वालों ने बोला है कि भोजपुरी के अंदर आप ही के प्रोडक्शन हाउस का ऐसा है जिसमें हमको कट नहीं मिलता है, हम या सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड यूए या यू दे देते हैं, तो अच्छा है कि फैमिली फिल्में बना रहे हैं, उसमें नए आर्टिस्ट भी है, पुराने भी है और सब कुछ है। आजकल जब ये सिनेमा का दौर नहीं है तो ऐसा नहीं है कि नए आर्टिस्ट नहीं चल रहे हैं, पुराने नहीं चल रहे हैं या चल रहेंगे, जो अगर आपका सब्जेक्ट अच्छा है और सब उसको पिक्चराइज अच्छे किया और फिल्म का वैल्यू है, तो दर्शक आजकल सब स्मार्ट हो गए, वो सब देखते ही हैं फिल्में। और जैसे पुरानी अभी जो फिल्में रिलीज हुई उनके आप TRP देख लीजिए, जिसमें अच्छा सब्जेक्ट है, अच्छा कंटेंट है, तो इसके अंदर वो मैटर नहीं करता कि कौन है, लेकिन फिल्में सब चल रही है। और आने वाले दिनों में भी जैसे थिएटर खुल जाएंगे तो थिएटर में भी मेरे को उम्मीद है कि पब्लिक आएगी। सर, जब आप फिल्म को सपोर्ट करते हैं, आप बता रहे हैं कंटेंट पे ध्यान देते हैं, हाँ, लेकिन बहुत जगह क्या है जो बड़े कलाकार हैं
और छोटे कलाकार हैं, दो कलाकार तो दोनों ही हैं, लेकिन एक बड़े छोटे का जो गैप दिया गया है, कितना रिस्क होता है अगर छोटे कलाकार को आप ले रहे हैं? आपके मन में इस तरह का कुछ रिस्क आता है कि यार नहीं करे? नहीं, छोटे कलाकार और बड़े कलाकार में फ़र्क क्या पड़ता है, केवल कलाकार के कॉस्ट का ही फ़र्क है। बाकी आप शूटिंग के अंदर तो मैं नहीं जानता हूँ दूसरे प्रोड्यूसर का क्या, बाकी हमने तो जो भी फिल्में बनाई वो सब वैसे ही कैमरे, वैसे ही लाइटें, वैसे ही सारा खर्चा, वैसे वेनेटी, वैसे ही लोकेशन सब रखी है। तो मेन जो कॉस्ट का फ़र्क पड़ता है वो आर्टिस्ट की कॉस्ट का ही पड़ता है, आर्टिस्ट और उनके साथ जो बैगेज आता है, बस वही फ़र्क है, बाकी कोई फ़र्क फिल्मों में ज़्यादा है नहीं। बड़ा आर्टिस्ट है, नेचुरल है, वो उनके काम कर रहे हैं इतने सालों से करते हैं, उनके नाम से फिल्में बिकती है तो वो ज़्यादा कॉस्ट लेते हैं, और जो नए आर्टिस्ट होते हैं वो कॉस्ट कम लेते हैं। बाकी फिल्म की मेकिंग में मैंने को नहीं लगता कि कोई फ़र्क आता है। यानी कि आप जो है कंटेंट पे ध्यान देते हैं पूरी तरह से? यस 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 यस, मेन है आर्टिस्ट मेन नहीं है, कंटेंट ज़्यादा मेन। जैसा कि आप हिंदी फिल्मों में अभी देख लीजिए कि जो पुराने और जो नामी गिरामी आर्टिस्ट है उनकी भी फिल्में लाइन से फ्लॉप हुई है, चाहे बड़े बड़े कितने ही, मैं नाम या नहीं लेना चाह रहा हूँ, और जो नए नए हीरो आए हैं और उन्होंने काम किया तो उनकी फिल्मों ने करोड़ों का बिजनेस अभी किया है। तो ये ट्रेंड केवल हिंदी में नहीं है, आप साउथ में देख लीजिए, आप गुजराती में देख लीजिए, मराठी में देख लीजिए, मराठी फिल्मों में भी अभी नए नए आर्टिस्ट के जो 23 और 25 साल के हैं उनकी फिल्मों ने 20-20 30-30 करोड़ का बिजनेस किया है। तो सेम ये जब सब जगह है, तो भोजपुरी इंडस्ट्री उससे अलग नहीं है, भोजपुरी में भी यही होगा। और जो आजकल जो डिजिटल इरा आ गया है और जो लोग कोरोना काल के बाद जो डिजिटल के अंदर सारे देखने लगे तो वो सब फ़र्क समझने लग गए हैं। तो धीरे धीरे जैसे जैसे इंटरनेट सबके पास आ रहा, हाई स्पीड का आ रहा और सब लोग एबिचुअल होते जा रहे हैं, तो इसमें भी अभी कंटेंट बेस्ड और सब्जेक्ट बेस्ड यही काम होगा, और जिसका म्यूजिक लोकेशन जो सब कुछ होगा तो पब्लिक उसको लाइक करेगी, जरूर करेगी। सबसे पहले चैनल देख रहे हैं तमाम दर्शकों को सोनालिका प्रसाद का नमस्कार, हाय। फिल्म शिकारी में मेरा रोल का नाम अदिति है, और इसमें एक तरीके का ये है कि शी इज़ वेरी शाई टाइप की लड़की है वो, और उसके मनपसंद लड़के के साथ अभी अभी उसकी इंगेजमेंट हुई और बहुत जल्द शादी होने वाली है। सो बिफोर डूइंग शादी वो लोग फ्रेंड्स सब ने प्लान किया है जंगलों में जाने का, और जंगलों में क्या कुछ होता है तो वही सब कुछ इस फिल्म में दिखाया गया है। एंड आई एम सो सॉरी, मैं थोड़ा सा अभी फंसी सी दिख रही होंगी, बिकॉज रीजन बिहाइंड कि अभी जस्ट मैंने एक स्टंट किया लाइफ में, पहली बार हार्नेस में मैं उल्टा लटकी रही, तो मुझको ऐसा लग रहा था अभी भी ना मैं रिलैक्स भी नहीं कर पा रही हूँ। डायरेक्टर प्रोड्यूसर के बारे में क्या बोलना चाहिए? इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो मनोज एस तोमर सर हैं, प्रोड्यूसर भी वही हैं, और इस फिल्म को रिप्रेजेंट कर रहे हैं अनिल काबरा सर। शिकारी फिल्म जब आपके पास लेके आई गई, आपका क्या रिएक्शन था इस? जो मेरे इस फिल्म के डायरेक्टर हैं मनोज एस तोमर सर, तो उनके साथ मैं एक फिल्म कर रही थी लास्ट ईयर 2019 में, यस करेक्ट। तो उस बीच क्या हुआ था कि उनके दिमाग में तब ये स्क्रिप्ट चल रही थी और मेरे ख्याल से शायद तब तक प्लान हो चुका था। देन ही सेड कि वो एक मूवी प्लान कर रहे हैं और उस मूवी के लिए तुम बिल्कुल फिट हो, और फिर 2020 में हम लोगों को शूट करना था एंड वी ऑल नो बिकॉज ऑफ कोरोना सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो गई। सो फाइनली 2021 हम लोगों ने शूट किया, आधा पार्ट यहाँ भी शूट किया, 2020 के दिसंबर में हम लोगों ने रेस्ट ऑफ द पार्ट शूट किया। आपके आने वाली अपकमिंग जो मूवीज है, फिल्म्स है, उस बारे में कुछ बताइए क्या? रवि किशन जी जब माननीय रवि किशन जी जब सांसद बने गोरखपुर में पहली बार, तो उसके बाद उन्होंने जो फिल्म किया था तो आई वॉज द लकीस्ट वन की उनकी उस हिसाब से पहली हीरोइन मैं रही सांसद बनने के बाद। फिल्म बड़े मियाँ छोटे मियाँ बहुत ही जल्द पर्दे पर आएगा उस फिल्म की ट्रेलर, और हालांकि जो पोस्टर है ओम जय जगदीश जिसमें रवि किशन जी भी हैं, मैं भी हूँ, और बड़े मियाँ छोटे मियाँ मैं उनके अपोजिट में हूँ, तो ये दो पोस्टर्स जो है वो लॉन्च हो चुके हैं। फिल्म गुमराह और फिल्म गुमराह सड़क धनिया जो कि जो हमारे प्रेजेंटर्स हैं अनिल काबरा सर, उनकी भी फिल्म जो है मैंने की है। तो कुल मिलाकर मुझको लगता है कि 7-8 फिल्म तो रिलीज पर हैं इस साल। अभी जस्ट आपने बताया कि आप उल्टे लटकते हैं, तो इस तरह अगर कहानी रहती है और तो किरदार किस तरह पसंद करते हैं, मतलब आप अपनी लाइफ में किस तरह का? मुझको एडवेंचर बहुत पसंद है, लाइफ में कुछ हटके हमेशा होना चाहिए। मोनोटोनस अगर मुझको इतना पसंद होता तो शायद अभी तक मैं टीवी सीरियल्स में रह रही होती, लेकिन टीवी सीरियल्स पहले मैं न्यूज़ चैनल में थी, न्यूज़ चैनल से निकल कर टीवी सीरियल में आई, टीवी सीरियल से निकल करके फिर भोजपुरी में आई हूँ, और भोजपुरी में भी मैं बहुत खुश हूँ कि थैंकफुली हमारे जो मेकर्स हैं एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, शायद लॉकडाउन में
थोड़ा दिमाग खुला और तरह तरह के एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं और मैं खुश हूँ। एक्चुअली दो तीन स्टंट्स और मैंने बहुत ही इसमें डिफिकल्ट किए जो मैंने इससे पहले कभी नहीं किया था एंड नाउ आई एम थिंकिंग दैट आई शुड लर्न मार्शल आर्ट और लाइक जैसे कैटरीना कैफ करती हैं एक्शन सीक्वेंसेस मैं भी उस तरीके से कर सकूँ। जी पहले तो मेरे सभी दर्शकों को प्यार भरे नमस्कार और आज जो हमने शूट किया था वो काफ़ी टफ था वो और मुझे हम लोग को मेरी जो पार्टनर रहते हैं वो हम लोग आज उल्टे हैंग होके हम लोग को एक्ट करना था वो काफ़ी टफ था लेकिन मज़ा भी आया बहुत अच्छा लगा। और इसमें मैंने एक मतलब एक कपल का रोल किया है। सर किस टाइप का रोल था आपका इसमें? क्या रोल है इस मूवी में? मेरा रोल है कि हम लोग एक फ्रेंड सर्कल रहते हैं जिसमें से कि मेरा एक एंगेजमेंट रहता है उसके लिए हम लोग एक पिकनिक करने के लिए जंगल में निकलते हैं तो उसी पर वो पूरा स्टोरी बेस है फिर कैसे कैसे हम लोग क्या क्या फेस करते हैं जंगल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कॉमेडी कर रहे हैं हम लोग सीरियस पूरा ये पूरा एडवेंचर थ्रिलर मूवी है। आपको सब मिलेगी सब तरह का मसाला मिलेगी कॉमेडी भी मिलेगी थ्रिल भी मिलेगी एडवेंचर भी मिलेगी सब चीज़ देखने को मिलेगी। सर आपसे ये जानना चाह रहे हैं कि भोजपुरी की जो फिल्म है जो आप कर रहे हैं ये वो भोजपुरी फिल्म बिल्कुल अलग होती है जब ये प्रोजेक्ट आपके पास लेके आया गया तो कितने शौक हो गए आप? सर मेरे लिए तो बहुत सफर में बहुत दिन से इंतजार कर रहा था कि एक ऐसा स्क्रिप्ट और कंटेंट मिले जिसे करे मज़ा आए करने में। तो हमारे डायरेक्टर मनोज सर जब ये स्टोरी मुझे बताया तो मैं तो पूरा एकदम पागल हो गया कि मुझे ये करना है ये बहुत हटके एक फिल्म बन रही है जो कि एक मैसेज भी लेके आ रही है पूरी जनता के लिए एक मैसेज लेके आ रही मूवी कि क्या बदलाव होना चाहिए और किस चीज़ पर हम लोग को कंट्रोल करना चाहिए एक पॉल्यूशन बेस्ड। सर शूटिंग करके कितना मज़ा आया आपको? बहुत मज़ा आ रहा है बहुत मज़ा आ रहा है टीम बहुत बढ़िया है और सब डायरेक्टर सर ये सब बहुत अच्छी टीम है हमारी सब अपना जितने भी एक्टर्स एक्ट्रेस सब बहुत बढ़िया है मज़ा बहुत आ रहा है। दर्शकों से क्या अपील करेंगे इस मूवी के बारे में? दर्शकों से मैं यही अपील करूँगा कि ये मूवी बहुत हटके बन रही है भोजपुरी में हमारी टीम जितने हैं सब बहुत मेहनत किए हैं हमारे डायरेक्टर प्रोड्यूसर मनोज सर बहुत मेहनत किए इस चीज़ पर कि कुछ हटके हम लोग जनता को दर्शक को दें क्योंकि देखे और मज़ा आए कुछ हटके मसाला मिले उन लोग को ये मैं देखो कहूँगा कि बहुत मेहनत लगी हमारी टीम की जरूर जाकर देखें इस मूवी को और अपना आशीर्वाद प्यार जरूर दें।